पहली अनाउंसमेंट ये है मेरी कि जो वीरवार जो मीटिंग है, क्योंकि ये बात मुझे परमेश्वर ने प्रार्थना करते समय दी थी, अब देखो कितने लोग पूरी करते हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस जो थर्सडे वीरवार को मीटिंग होगी, क्या होगी उसमें मेरे लोगों को बोल के जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी उनके कागज हैं, फोटोस हैं, कुछ भी हैं जो उनकी रिपोर्ट में ये चीज आई है वो सब लेकर आओ। जो कुछ भी आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, कोई ऐसा काम है, कोई कोर्ट का, कचहरी का, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, कोई भी चीज है तो आप लेकर आओ। ये ऑनलाइन लोगों के भी लिए, तो ऑनलाइन लोगों के लिए भी मैं उसी रीति से जो हमें जो लोग हमें देखते हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। वो भी लोग अपने घरों में अपने जितने डॉक्यूमेंट्स फोटोज साथ में लेकर बैठना। जब मैं प्रार्थना करूंगा यहाँ पे तो ले हैंड होगी पर ऑनलाइन भी प्रार्थना होगी। ये एक मेरी अनाउंसमेंट है जो खुदावंद ने जो वचन मुझे दिया इस थर्सडे, और मेरा विश्वास है कि बहुत लोग बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे। ऊंचे वाला आमीन। मैंने कहा बहुत लोग बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे। आमीन। और सेकंड, इस संडे प्रभु भोज की मीटिंग है। बोलो क्या है? इस संडे प्रभु भोज की मीटिंग है। और प्रभु भोज की मीटिंग में हम किसके लहू में शामिल होते हैं, किसकी देह और लहू में हम बाकी होते हैं, पता है ना? इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लहू मेरी थी का बाकी नहीं है उससे मेरी कोई सांस नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, जो मेरी देह और लहू में भागीदार नहीं होता उससे मेरी कोई सांस नहीं है। तो ये भी खुदावंद ने आज ही मुझे सुबह प्रार्थना करते समय कहा। आज तक हमने कभी भी प्रभु भोज स्टार्ट में नहीं लिया, पर आज इस संडे जो इस संडे की मीटिंग है, हम पहले जो पहले ही पहला वर्शिप सॉन्ग होगा स्टार्ट, जब स्टार्ट होगा प्रेयर के बाद जो पहला सॉन्ग होगा उसी में भोज प्रभु भोज लेंगे। इसीलिए लिखा भला इन बातों के योग कौन है। देखेंगे कौन कौन योग है, कौन कौन यीशु मसीह की देह और लहू का बाकी होना चाहता है, क्योंकि बाइबल तो कहती है कि हमें छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, किसके निष्लंक उस मेमने के, उस लहू के द्वारा हुआ है, सोने और चांदी से भी। बोलो क्या है? सोने और चांदी से भी नहीं है। तो हम पहले जब प्रार्थना के बाद जब पहला भजन होगा तो उसी में प्रभु भोज लेंगे। देखेंगे कितने लोग उसे लेते हैं। बस जब तक वो भोज चल बस लेंगे तब तक ही देंगे उसको, उसके बाद नहीं, किसी को नहीं देंगे। ये भी खुदावंद की ओर से वचन है। और मेरा विश्वास है कि उस दिन भी जितने लोग उस वचन को पूरा करेंगे वो बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे, बड़े कामों को देखेंगे, बड़ा बदलाव अपने जीवन में, मैंने कहा वो देखेंगे, मैंने कहा बड़ा बदलाव देखेंगे। तैयार हो प्रभु भोज की मीटिंग में भी शामिल होने के लिए, बड़ा बदलाव देखने के लिए, बड़े कामों को देखने के लिए। आमीन।